अल्लाह को राजी करना तो अपनी पसंद से नहीं, अल्लाह को अल्लाह की पसंद से राजी करो। जो अपनी पसंद से राजी करते हैं वो अहले बिदात हैं, अहले बिदात। और जो अल्लाह को अल्लाह की पसंद से राजी करते हैं वही अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत। अल्लाह की रजा से बढ़कर बोलिए कोई रजा नहीं, कुछ नहीं। सबसे बड़ी चीज रजाए मौला है। रजा हो सकता है आपके लिए भारी गुजरे तो मैं आसान कर दूं, अल्लाह की मर्जी सबसे बड़ी। आज एक बहुत छोटे से बच्चे का क्या नाम था उसका जिसका इंतकाल, सिफत अशरफी, मैंने उसका जब उन्होंने दिखाया मोबाइल में फोटो तो मैं जरा हिल गया। 12-14 साल का लड़का, 15 साल का, अचानक चला गया। मेरे दिल से फौरन निकला अल्लाह की मर्जी वाकई बहुत बड़ी, उसकी रजा से बढ़ के कुछ नहीं। अच्छा एक बात बताइए, आप इस दुनिया में अपनी मर्जी से आए हो? Is there anyone who born in this world under his own will? No. Will you die by your own will? No. अपनी मर्जी से मरोगे? जब तुम्हारा आना तुम्हारी मर्जी से नहीं, तुम्हारा जाना तुम्हारी मर्जी से नहीं, तो तुम्हारा जीना तुम्हारी मर्जी से कैसे होगा? जीना है तो उसी की मर्जी से जियो, जिसकी मर्जी से तुम आए हो, जिसकी मर्जी से तुम जाओगे। हमें यार जब हमारा चेहरा, हमारी आंखें, मुंह, नाक, कान, जब ये सब हमारी इच्छा से, हमारी मर्जी से नहीं बना तो हमारा जीवन हमारी मर्जी से चलेगा? वो बेवकूफ है जो अपनी मर्जी बीच में डालने की कोशिश करते हैं। ये वो रियलिटी है जिसे जान के भी हम समझने की कोशिश नहीं करते। एक चीज होती है, आज मैं बड़ी खास तवज्जो चाहूंगा क्योंकि ये मार्के करबला के हवाले से तो हम सुनते रहते हैं। आज मैं मार्के करबला को, मैदाने करबला को एक नए जाविये से, एक नए पर्सपेक्टिव से, एक नए दृष्टिकोण से, पता नहीं बंगला में क्या कहते हैं दृष्टिकोण, हाँ हिंदी में दृष्टिकोण, एक नए पॉइंट ऑफ व्यू से समझाने की कोशिश कर रहा हूं। तवज्जो से सुनिएगा। एक चीज होती है ब्यूटी, क्या होती है? जिसको बंगला में कहते हैं सुंदरता। एक चीज होती है क्वालिटी, जिसे हम कहते हैं विशेषता। मैं सही कर रहा हूं, ट्रांसलेशन सही है ना? एक चीज होती है रियलिटी, यानी वास्तविकता। वास्तविकता क्या कहते हैं? वास्तव, हिंदी में वास्तविकता कहते हैं। उर्दू में कहा जाए तो एक है खूबसूरती, एक है खुसूसियत और एक है हकीकत। ब्यूटी, क्वालिटी एंड रियलिटी, ये तीनों एक नहीं है, तीनों में अनेक अंतर, बड़ा फर्क है। मानो मनुष्य के अंदर ये तीनों गर्दिश करती रहती है। कुछ लोग ब्यूटी के पीछे भागते हैं, कुछ क्वालिटी के पीछे भागते हैं, कुछ रियलिटी के पीछे भागते हैं। थोड़ा सा मैं चाहता हूँ खानकाही मूड बनाओ। सैदपुर में सारी खानकाहें मौजूद हैं, सिर्फ इसी फकीर की कोई खानकाह नहीं है। और मैंने हाजी साहब से कह दिया है कि आपका घर ही मेरी खानका, जहां वही खानका। और वैसे भी अगर पीर बैठा हो, अंदर हो, तब तो वो खानका है, और पीर चला जाए और कुछ ना हो तो सिर्फ खामखा है। आइए मुस्कुरा के जो फ्रेश हुए हैं तो बिल्कुल खानका ही जहन बना है। इन तीनों में सबसे बड़ा फर्क ये है कि ब्यूटी हैज वेरी शॉर्ट पीरियड, सबसे कम समय ब्यूटी का है, क्वालिटी का टाइम उससे ज्यादा है। और जो चीज कभी खत्म नहीं होती वो रियलिटी है। क्या है?
रियलिटी जो वास्तव रियलिटी। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल, उदाहरण, जैसे गुलाब का फूल है, कितना सुंदर लगता है ना, अनेक सुंदर, अल्लाह ने कितना खूबसूरत उसे बनाया, ये उसकी सुंदरता है, विशेषता नहीं। ऐसी सुंदरता जो दूसरे पुष्पों में, फूलों में नहीं दिखती। जब आपने उसे नाक से लगाया, एक भीनी भीनी अच्छी सुगंध उसमें से मिली, स्पेशल फ्रेग्रेंस कमिंग आउट फ्रॉम द फ्लावर, ये उसकी विशेषता है। क्या है ये? क्वालिटी। लेकिन एक हफ्ते में वो सड़ के गल गया, मुरझा गया, मिट्टी में मिक्स हो गया, नाउ अब सुगंध नहीं, दुर्गंध आ रही, बदबू आ रही, ये उसकी वास्तविकता है, ये उसका उसकी रियलिटी है, ये उसकी हकीकत है। फूल खूबसूरत है, ये उसकी खूबसूरती है, लेकिन महक रहा है, गुलाबी महक है, ये उसकी खूबी है, और सड़ के गल गया, मिट्टी में मिल गया, ये उसकी वास्तविकता है, ये उसकी क्वालिटी रियलिटी है कि मिट्टी से बना था, मिट्टी से निकला और मिट्टी ही में चला गया। ऐसे ही इंसान, मनुष्य, गोरा हो, काला हो, नीला हो, पीला हो, अंग्रेज हो, रंगरेज हो, जैसा भी हो, जब वो बच्चा होता है ना, चाइल्ड लुक्स वेरी क्यूट, उसे लोग चूमते हैं, यहां भी चूमते हैं, यहां भी चूमते हैं, यहां भी चूमते हैं, क्योंकि क्यूट है। लेकिन व्हेन ही ग्रोन अप, जैसे ही बड़ा हुआ, क्यूटनेस गॉन। अब चूमना तो छोड़ो, अब उसे करीब जाना भी लोग पसंद नहीं करते, बड़ा हो गया, क्यूटनेस गॉन, खत्म। अब उसकी विशेषता देखी जाएगी, हु इज ही, है कौन, ये डॉक्टर है कि साइंटिस्ट है कि जर्नलिस्ट है कि पॉलिटिशियन है कि मुफ्ती है कि अल्लामा है कि इमाम है कि बिजनेसमैन है, जो भी होगा वो उसकी क्वालिटी है, विशेषता है। लेकिन 80 साल 90 साल में वो खत्म हो गया, मिट्टी में मिल गया, हड्डी गुड्डी उसकी सब गल गई, ये उसकी वास्तविकता है कि मिन्हा खलकनाकुम वफीहा नुईदुकुम वमिन्हा नुखरिजुकुम तारतन उखरा, हमने इसी मिट्टी से बनाया, इसी मिट्टी में बुलाया, और एक दिन इसी मिट्टी से तुझे निकालेंगे। तो आज की जनरेशन का प्रॉब्लम यह है, 95% लोग ऐसे हैं जो सिर्फ ब्यूटी के पीछे भागते हैं, सुंदर सुंदर, घर हो तो सुंदर हो, कार हो तो सुंदर हो, कमरा हो तो सुंदर हो, बीबी हो तो सुंदर हो, और चाहे एक हफ्ते के बाद पता चला है इसको तो भात बनाना भी नहीं आता, ऑनलाइन ऑर्डर करके घर में खाना मंगा रहे हैं, खाली सुंदरता देखा था, विशेषता नहीं देखा था। तो जो लोग ब्यूटी देखते हैं, ब्यूटी के पीछे दौड़ते हैं, वो आम लोग हैं। कौन लोग? कॉमन पीपल। और जो लोग क्वालिटी देख के फॉलो करते हैं, वो खास लोग हैं, स्पेशल पीपल। और जो लोग रियलिटी देख के फॉलो करते हैं, वो अल्लाह वाले लोग हैं। तो एक तरफ यजीद था जो तख्त की ब्यूटी देख रहा था, और एक तरफ मेरा हुसैन है जो रियलिटी देख रहा था। ये एक मैंने पंच लाइन दे दिया ताकि थोड़ी गर्मी आ जाए, आते हैं फिर वहीं पर, बात क्लियर हो रही है ना? तो मियां सोच समझ के शादी बिया भी, कि कम से कम थोड़ी बहुत तो क्वालिटी रहे, वरना 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। तो उससे बेहतर ये है कि सोच समझ के फैसला करो। तो जो रियलिटी को फॉलो करते हैं, वो अपनी मर्जी को नहीं देखते, वो अल्लाह की मर्जी को देखते, चलते फिरते उठते बैठते सोते जागते
उनकी निगाह के सामने सिर्फ एक चीज रहती है, कुछ ऐसा करूं कि अल्लाह राजी हो जाए। हमें हम यहाँ आए किस लिए हैं? अल्लाह को राजी करने। अल्लाह पाक का इरशाद है, वमा खलकतुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने इंसान और जिन्नात को सिर्फ अपनी इबादत के लिए पैदा किया। तो हम क्यों आए हैं? इबादत क्या है? अल इबादा हिय कुल्लु अमलिन यरदल्लाहु सुभानहु व तआला अन। इबादत हर वो काम है जिससे अल्लाह राजी हो जाए। तो हम यहाँ अल्लाह को राजी करने आए। अब अल्लाह को राजी करना है तो अपनी पसंद से राजी करोगे? लेने के देने पड़ जाएंगे। अल्लाह को राजी करना तो अपनी पसंद से नहीं, अल्लाह को अल्लाह की पसंद से राजी करो। जो अपनी पसंद से राजी करते हैं वो अहले बिदात हैं, अहले बिदात। और जो अल्लाह को अल्लाह की पसंद से राजी करते हैं वही अहले सुन्नत है, अहले सुन्नत। एक सवाल बार बार किया जाता है कि आका हुसैन के पास इतना पावर था, सब कुछ था, उन्होंने करामत क्यों नहीं दिखाई, क्यों नहीं दिखाई? ये प्रश्न आपने भी कभी ना कभी सुना होगा, क्यों नहीं दिखाई? मैं आऊंगा इधर, लेकिन मैं जरा अपने तरतीब से, अपने तरीके से उधर ले जाना चाहता हूं। सबसे बड़ी रजा अल्लाह की रजा है और वही महान है। वो जिस जिस से राजी हो जाए वही काम करना है। वो अपने नबी से राजी है तो सारी उम्मत मुस्तफा को राजी करने पर लगी है। मुस्तफा अपने अहले बैत से राजी है, सारी उम्मत मुस्तफा के घर के बच्चों से मोहब्बत कर रही है। तो जिससे खुदा राजी हो जाए उसी को राजी करने में सब लगे हैं। मगर ये बीच में गड़बड़ करने वाला जो शैतान है ना, सारा खेल उसी का होता है। शैतान इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन है। अल्लाह पाक का इरशाद है, इन्ना शैतान लिल इंसान अदुव्वु मुबीन। Devil is an open enemy of all mankind. शैतान मानव जात का खुला दुश्मन है, open enemy. बहकाता भी है, बड़े बड़ों को लटकाता भी है। रमजान शरीफ में इसे कैद कर दिया जाता है। एक साहब कहने लगे, हजरत रमजान में अगर शैतानों को बंद कर दिया जाता है, जंजीर लग जाती है, तब भी लोग शैतानी हरकत क्यों करते हैं? शैतान कैद है फिर भी रोजा नहीं रख रहे हैं, शैतान कैद है फिर भी बाहर चाय पी रहे हैं, ये कौन करवा रहा है? मैंने कहा ये नफ्स करवाता है। कौन? नफ्स करवाता है। वो उसका साथी, वो नफ्स जो हमारे अंदर है, नफ्स अम्मारा, वो करवाता है। याद रखना, शैतान से भी ज्यादा डेंजर हमारा नफ्स अम्मारा है। हमारा जो अंदर का ईगो है ना, वो शैतान का अब्बा है, वो बल्कि शैतान की अम्मा है। वो इतनी खतरनाक चीज है। बहका सूफिया किराम फरमाते हैं, हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने फरमाया कि जो बंदा अपने नफ्स पे काबू पा जाए वो बंदा बंदा नहीं, बंदा नवाज हो जाता है। वो गरीब गरीब नहीं, गरीब नवाज हो जाता है। वो मुरीद मुरीद नहीं, अपने पीर की मुराद बन जाता है। नफ्स पे काबू पाए। नफ्स ही हमें बहकाता है। शैतान तो सिर्फ उस बहकावे को खूबसूरत बना देता है। जैसे नफ्स ने अंदर से कहा शराब पी ले, शराब पी ले, मधु पी ले, शराब पी ले, ये कौन बोला? बोलिए, नफ्स बोला। अब शैतान क्या करता है उसमें?
उसकी मदद करता है। वो कहता है शराब पीने से पेट साफ रहेगा, सब कुछ ठीक ठाक रहेगा, दिमाग तेज चलेगा, नींद बड़ी अच्छी आएगी और डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। शैतान का काम है नफ्स जिस चीज से बहकाए उसको मुदल्लल और मुबरहन और एविडेंस और प्रूफ के साथ पेश करना, ये शैतान का काम। लेकिन मेन मुहर्रिक शैतान नहीं, नफ्स है। अपने नफ्स को अगर कंट्रोल करना तो सूफिया फरमाते हैं उसे भूख से कंट्रोल करो, नफ्स को भूखा रखो अपने आप को, नफ्स कंट्रोल में रहेगा। उसे रियाजत से कंट्रोल करो और उसे सच्ची तौबा से कंट्रोल करो। ऐसी तौबा कर लो अल्लाह की बारगाह में कि ये गुनाह हम कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, तेरा नफ्स तेरे सामने झुक जाएगा। ये नफ्स नफ्स अम्मारा, सबसे खतरनाक नफ्स, शैतानी नफ्स। इसको सूफिया किराम नफ्स काफिरा भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नफ्स काफिरा, यानी काफिर वाला नफ्स जो हमेशा हमें गुनाह की तरफ खींचता है। शराब यही पिलवाता है, जिना यही करवाता है, गुनाह यही करवाता है, नमाज यही छोड़वाता है, गाली यही बकवाता है, धोखा यही दिलवाता है, ये सारा काम नफ्से अम्मारा करता है। फिर बंदे के मन में ख्याल आता, बंदा मोमिन हुआ, नफ्स काफिर है लेकिन बंदा मोमिन है। अब इसी कुफ्र और ईमान की कश्मकश में बंदा कभी कभी अपने गुनाहों से नादिम होने लगता है, शर्मिंदा होने लगता है, उसे लज्जा आने लगती है। इसका मतलब अब उसका नफ्स नफ्से अम्मारा नहीं बल्कि तरक्की करके नफ्से लवामा बन गया। क्या हो गया? नफ्से लवामा। ये दूसरी कैटेगरी है। ये वो नफ्स है जो गुनाह तो होने देता है लेकिन गुनाह को गुनाह बता के करता करवाता है। ये जब वो जैसे होता ना कि कभी आपने किसी का दिल दुखाया और बाद में घर आए, अरे यार आज मैंने इस पे हाथ उठा दिया, मुझे नहीं उठाना चाहिए था, वो भी इंसान मैं भी इंसान, मैं अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। ये जो अंदर से शर्मिंदगी होती है ये नफ्से अम्मारा नहीं है, नफ्से लवामा है। क्या है? नफ्से लवामा, जो गुनाह को गुनाह समझता है मगर गुनाह हो जाता है तो गुनाह पे शर्मिंदा भी होता है मगर तौबा नहीं कर रहा। बस गुनाह करता है फिर शर्मिंदा होता है, तौबा करता है फिर गुनाह करता है फिर शर्मिंदा होता है, तौबा करता है। चलते चलते एक वक्त ऐसा आता कि उसे गुनाहों से नफरत होने लगती। तवज्जो जोर से बोलो, बहुत नारे वाली तकरीर सुन चुके हैं, जरा संजीदा बात सुनो। उसे गुनाहों से नफरत होने लगती है और जब उसे गुनाह से घृणा हो जाए, नफरत हो जाए, तो फिर उसका नफ्स तरक्की करते करते नफ्से लवामा से नफ्से मुलहिमा बन जाता है। नफ्से लवामा की तो कसम कुरान ने खाई, फला उक्सिमु बिन्नफ्स लवामा। और नफ्से मुलहिमा क्या है? फअल्हमहा फुजूरहा व तक्वाहा। नफ्से मुलहिमा ये नफ्से मोमिना, मोमिन का नफ्स है। किसका? जरा 5-6 मिनट सब्र करना है आपको, फिर आपके मतलब की चीजें आएंगी। हाँ, तवज्जो से। नफ्से मुलहिमा ये मोमिना, ईमान वालों का नफ्स है। किसका? जोर से बोलो। ये वो नफ्स है जो गुनाह को मिटा कर, तवज्जो चाहूंगा, गुनाह को मिटा कर उस पर सवाब की खेती कर देता, नेकियों की खेती कर देता। और जब बंदा उस नफ्स को फॉलो करता है तो उसका नफ्स ईमान वाला बन जाता है। कितने हुए? अब आइए चौथा और बड़ा खास नफ्स है कि जब बंदा गुनाहों को छोड़कर सिर्फ नेकियां करता है, सिर्फ नेकियां करता है, तो नेकी करते 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 उसे गुनाहों से इतनी नफरत हो जाती है कि उसका दिल नेकियों पर संतुष्ट हो जाता है, नेकियों पर शुक्र अदा करता है,
उसका कल्ब उसके नफ्स की जगह पर, यानी नफ्स हृदय की जगह, दिल की जगह, और दिल नफ्स की जगह बिल्कुल संतुष्ट, सेटिस्फाई, मुतमईन हो जाता है। गोया तरक्की करके उसका नफ्स नफ्से मुलहमा से नफ्से मुतमईना बन जाता है। जोर से बोलो, क्या बन जाता है? नफ्से मुतमईना यानी संतुष्ट नफ्स, मुतमईन नफ्स, सेटिस्फाई नफ्स। अब उसे गुनाह से सिर्फ नफरत ही नहीं, बल्कि साथ ही साथ उसे अपने सवाब और नेकियों पर इत्मीनान भी है। ये सालेहीन का नफ्स है। किसका? जोर से बोलो, अल्लाह वालों का नफ्स, सालेहीन का नफ्स, अल्लाह के नेक बंदों का नफ्स, और आसान कर दूं तो अगवासो अक्ताब का नफ्स, वलियों का नफ्स है। अभी तो हम पहले प्लेटफार्म पे टिके हुए हैं, कोशिश करो दूसरा आवे, तीसरा आवे, चौथा आ गया तब तो कमाल हो जाएगा, कह दो इंशाल्लाह। पांचवा नफ्स है जो नफ्स, अच्छा एक चीज यहां ये भी बताता चलूं, इसको कहते हैं नफ्से मुतमईना। अच्छा ये बताओ, संतुष्टि ये दिल की कैफियत का नाम है या नफ्स की? ये तो दिल की कैफियत। कहते हैं ना, हजरत आज आपने ऐसा खाना खिलाया कि मन संतुष्ट हो गया, दिल मुतमईन। ये दिल मुतमईन होता है, कौन होता है? लेकिन यहां दिल नहीं, नफ्स मुतमईन। यानी जब बंदा अपने नेकियों पर मुतमईन हो जाता है तो उसका नफ्स जो है, उसका मकाम, उसका दिल बन जाता है। उसका दिल धड़कता है तो सिर्फ नेकियों के लिए धड़कता है। फिर एक वक्त ऐसा आता है कि बंदा अपने आप से भी, लोगों से भी दूर होने लगता है और सिर्फ अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा। वो हर काम रजाए मौला के लिए करता है, उस खाना खाएगा तो अल्लाह की रजा के लिए। किसी ने पूछा, मौली साहब खाना क्यों खा रहे हो? तो कहेगा, इसलिए खा रहा हूं ताकि शरीर में ताकत आवे तो अल्लाह की इबादत कर सकूं। वो हर काम रजा के लिए, शादी भी अल्लाह की रजा। किसी ने पूछा, भाई साहब शादी क्यों कर रहा? का इसलिए कर रहा हूं ताकि अपने नफ्स पे काबू पा सकूं और अपने आप को गुनाह से रोक सकूं। यानी हर काम, उसका चलना फिरना, उठना बैठना, सोना जागना, हर काम, हर घड़ी, हर आन, हर लम्हा उसका सिर्फ रजाए मौला। रजाए मौला में गुजरता, आवाज आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमईना इरजिई इला रब्बिकि राजिया। ऐ नफ्से मुतमईन, अब अल्लाह की तरफ राजी होते हुए आ जा। उसे अल्लाह की तरफ से दावत दी जा रही है, आ जा, आ जा मेरे पास, आ जा। इस नफ्स में बंदा तालिब होता है। क्या होता है? अल्लाह मतलूब होता है, यानी बंदा चाहता है, अल्लाह उसकी चाहत है। फिर एक वक्त ऐसा आता है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यहां से मुझे सीधे करबला जाना है। एक वक्त ऐसा आता कि जब बंदा हर काम अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा, रजाए मौला के लिए मदीना छोड़ दिया, रजाए मौला के लिए मक्का छोड़ दिया, रजाए मौला के लिए सब को छोड़ दिया, यजीद तख्त पे बैठा तो रजाए मौला के लिए अपने परिवार सहित दश्ते करबला में पहुंच गया, तो फिर वो वक्त भी आता कि उसका नफ्स तरक्की करके नफ्से राजिया से नफ्से मर्दिया बन जाता है। राजियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती नफ्से मर्जिया। नफ्से मर्जिया समझे? मैं समझा रहा हूं, जरा ये ना समझो भारी भारी बात है, तवज्जो से सुनो, सब कैच हो जाएगा। नफ्से मर्जिया और नफ्से राजिया में फर्क ये है, अंतर, नफ्से राजिया में बंदा चाहता है, अल्लाह चाहत है। नफ्से मर्जिया में उल्टा हो जाता, बंदा चाहत बन जाता है, मौला ताली हो जाता।
मतलब जब बंदा सब कुछ अपने रब की मर्जी पर फना कर देता है तो आवाज आती है, मेरे बंदे, ऐ मेरे महबूब, जब तूने मेरी रजा में, तवज्जो रहे, मेरी रजा में अपनी रजा को फना कर दिया तो बस अब मैं तुझे मकामे रजा के मिंबर पे बिठाता हूँ। अब वो नहीं होगा जो मैं चाहता हूँ, अब वो होगा जो तू चाहता है। खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है। ये है मकामे रजा। क्या है ये? बहुत नाजुक मकाम है। औलियाए सिद्दीकीन को ये मकाम हासिल होता है। उन औलिया अल्लाह को जिनको अल्लाह की तरफ से सरकारी पोर्टफोलियोज मिलते हैं कि तुम यहाँ के कुतुब होगे, तुम वहाँ के गौस होगे, तुम वहाँ के अब्दाल होगे, तुम वहाँ के औताद होगे, तुम रजबा होगे, तुम नकबा होगे, तुम नजबा होगे, तुम इस इलाके के सालिक होगे। ये पोर्टफोलियोज अल्लाह की तरफ से मिलते हैं औलियाए सिद्दीकीन। उनमें गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी है, ख्वाजा गरीब नवाज है, मखदूम सिमनानी है, गौसे बंगाला है, हजरत शाह जलाल यमनी है, शाह जलाल तबरेजी है। ये अल्लाह वाले लोग, बड़े बड़े सूरमा भी कभी कभी ऐसा आया है कि इस मकाम पे उनका कदम लड़खड़ा गया है। बड़ा नाजुक मकाम है। हजरत गौसे पाक रजी अल्लाह तआला मकाम रजा के बारे में फरमाते हैं कि पुल सिरात से भी ज्यादा बारीक, तलवार से भी ज्यादा तेज, इतना नाजुक मकाम में कदम लड़खड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इस मकाम में की शर्त यह है, तरकुल इख्तियार बादल कजा, ये इसकी शर्त है कि अपने पावर को, तवज्जो चाहूंगा, अपने पावर को कंट्रोल करके रोकना और जो हो रहा है उसे होने देना। बहुत नाजुक मकाम है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार ने फरमाया, तरकुल इख्तियार बिमुर्रिल कजा, यानी जो अमरे इलाही से जो हो रहा है उस होने की कड़वाहट को, अल्लाह करे समझ जाए अब, उसकी कड़वाहट को बर्दाश्त करना है लेकिन करामत नहीं दिखाना है। कुछ पल्ले पड़ रहा है? ये है मकामे रजा। हजरत ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर सिलसिले शत्तारिया के अजीम बुजुर्ग, आपका मनसब भी मकामे रजा था। राजा सिंधिया ग्वालियर, ग्वालियर का नाम सुना होगा आप लोगों ने, मध्य प्रदेश का एक शहर है, तारीखी शहर है। एक मर्तबा वहां से चले सफर पे अपने फैमिली सहित, राजा ने भी बड़े इनामों इकराम से रवाना किया और जब ग्वालियर की सिंधिया रियासत खत्म हो गई तो वो अकेले अपने परिवार सहित आगे बढ़े। उनके साथ उनकी बीवी हैं, बच्चे हैं, घर वाले हैं, रिश्तेदार हैं, सब हैं। एक छह माह की उनकी नवासी भी है। तवज्जो चाहूंगा, कै माह की? माह समझे महीना, छह माह क्या कहते हैं आप? छह महीने की, छह महीने की, छह महीने, छह साल की, सॉरी, छह साल की उनकी नवासी है, छह साल की, छह बरिश की। वो भी उसी काफिले में सफर चल रहा था कि अचानक 500 की तादाद में डाकुओं ने हमला कर दिया। ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर रहमतुल्लाह अलैह के काफिले पर किसने डाका मारा? अरे अब तो आपके मतलब की चीज आ गई यार, भारी भारी चीज गई, अब तो बोलो किसने डाका मारा? डाकुओं ने मारा। हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर ने कहा, भाई कुछ करने की जरूरत नहीं है, जो कुछ है ले लो, मैं सब दे रहा हूं, मैं कहां अपने लिए कुछ रखता हूं, सब तो अल्लाह की रजा पे। डाकुओं के सामने सारा मालो जर रख दिया। एक डाकू डकैत ऐसा था जिसकी नजर हजरत ख्वाजा गौस मोहम्मद ग्वालियर, उनके उनकी छह साल की बच्ची जो नवासी थी उसकी कान की बाली पे पड़ी, सोने की बाली वो पहने हुए थे।
अभी तक तो उनका मकाम रजा बिल्कुल मुस्तकीम है, करामत नहीं दिखा रहे, सब कुछ पेश कर रहे, ये चाहिए ये भी ले लो, 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 कुछ मना नहीं किया। लेकिन जैसे ही छह साल की नवासी के कान की बाली को खींचा और खींचते ही खून का फव्वारा निकला, नवासी ने नाना कर दिया। थोड़ी देर के बाद एक निदा आई, गुलाम गौस ये तूने क्या किया, इन लोगों ने तेरा क्या बिगाड़ा था, तूने इनकी जान ले ली। कहा हुजूर मेरी, ए अल्लाह मेरी नवासी बिलक रही थी, मुझसे बर्दाश्त ना हुआ, मैंने करामत दिखा दी, मैं इसके कान से उबलता हुआ खून का फव्वारा बर्दाश्त ना कर सका, मैंने करामत दिखा दी। उसने कहा नाना मदद, मैंने करामत दिखा दी, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। कहा तूने उनको मारा ये समझ के वो डाकू हैं, बंदे तो मेरे ही थे ना, मैं उन्हें भी तो खिलाता हूं, मैं उनका भी तो रज़ाक हूं, मैं उनका भी तो मौला हूं। हजरत ख्वाजा गुलाम गौस ग्वालियर ने माफी मांगी, तौबा किया और ये ऐलान कर दिया कि ऐ हुसैन तेरे मकाम रजा को सलाम, तेरे मकाम मर्जिया को सलाम। ऐसा बर्दाश्त किया कि 3 दिन की भूख और प्यास पर सब्र कर रहे हैं हुसैन, जब यजीदी कुत्तों की उनकी तलवारें सैयदों के खून की प्यासी थी तो हुसैन ने उफ़ न किया, कहा तुझे खून चाहिए ले मैं अब्बास को दे रहा हूँ, और खून चाहिए ले मैं कासिम बिन हसन को दे रहा हूँ, और खून चाहिए ले मैं अली अकबर को दे रहा हूँ, और खून चाहिए ले मैं उनो मोहम्मद को दे रहा हूँ, और खून चाहिए ले मैं अपने लखते जिगर अली असगर को दे रहा हूँ। ए हुसैन तेरे इस्तेकामत को सलाम, तेरे मकाम रजा को सलाम, आपने करामत नहीं दिखाई और ना दिखा के बता दिया कि हुसैन होना और है, गुलाम हुसैन होना और है। खुदा की कसम अगर आका हुसैन चाहते क्या, सिर्फ सोच लेते, कैच करो यार बेदारी, सिर्फ आसमान की तरफ अगर हुसैन देख लेते, ऐसी बारिश होती कि पूरा करबला समंदर बन जाता। मगर हुसैन ने रजा का दामन न छोड़ा। अगर अपने दादा अली की जुल्फ़िकार को दश्ते करबला में मौला हुसैन गाड़ देते, खुदा की कसम पूरा करबला ऐसा उबलता पानी वहां से कि कभी खत्म ना होने वाला सैलाब आ जाता। अरे हुसैन तो हुसैन, तवज्जो चाहूंगा, अल्लाह करे समझ में आ जाए, अगर जनाबे सकीना सुकैना इमाम हुसैन की बेटी अगर दामने अब्बास को थामने के बजाय अपनी ओढ़नी को अपने दुपट्टे को अगर नहरे फुरात की तरफ उछाल देती तो खुदा की कसम पूरी नहरे फुरात खेमे में आ जाती। मगर हुसैन ने दामने रजा को न छोड़ा, मकामे रजा पर अपने कदम को लड़खड़ाने न दिया। खुदा की कसम यही राज था। हजरत इमाम हुसैन आप देखें ना, आका हुसैन को किसी ने जमीन पे करबला में नहीं बिठाया था, सब जानते हैं, दिन भर वो किसी ने किसी के गोद में रहते थे। हजरत अली असगर कभी अपने बाबा हुसैन की गोद में, कभी आबिदे बीमार की गोद में, कभी जनाबे उम्मे कुलसूम की गोद में, कभी हजरत सकीना की गोद में, कभी जैनब की गोद में, कभी उम्मे रियाला की गोद में, कभी हजरत शहरबानो की गोद में, कभी कनीजाने अहले बैत की गोद में। और जब रात हो जाती थी तो एक कपड़ा बांधा जाता था जिसमें अली असगर को लेटा देते थे। किसी ने नन्हे अली असगर
छह माह के नन्हे अली असगर को करबला के तपते हुए रेत में बिठाया नहीं, बिठाया नहीं। अरे अगर बिठा देते, मेरा विजदान कहता कि अगर अली असगर बैठ जाते और बैठकर अपने बाबा हुसैन के सूखे होठों और प्यास की शिद्दत को महसूस करके कहीं अगर अपनी अपनी एड़ी को कहीं करबला के रण में अगर रगड़ देते तो इस्माइल का पोता है कहीं दूसरा दमदम न जारी हो जाता। करामत नहीं दिखाई, इस्तेकामत दिखाई। जोर से बोलो, क्या दिखाई? क्यों? क्योंकि इस्तेकामत की शान ये है कि अल इस्तेकामत फौकल कराम। इस्तेकामत करामत पे भारी है, मेरा हुसैन सबसे भारी है। आप जरा सोच, मकाम रजा की कैफियत को महसूस करें। कहीं ऐसा ना हो कि लोग ये तसव्वुर करें कि हुसैन कमजोर थे, माज़ अल्लाह इसलिए ऐसा नहीं किया। अरे हुसैन ने मोहलत दी थी। कल आपने हुजूर गाजी मिल्लत से सुना है ना कि इमाम हुसैन ने ताखीर की थी। हजरत ने क्या फरमाया था? ताखीर मौका दिया था, मोहलत दिया था। वो जानते थे कि मैं सिर्फ मोमिन नहीं, मैं दीन हूं। मेरा कत्ल हो गया तो कत्ल दीन हो जाएगा और उसके बाद मगफिरत का दरवाजा बंद हो जाएगा। हुसैन मोहलत दे रहे थे। इब्ने खल्दून को उठा के देखो, इब्ने जरीर तबरी के इतिहास को पढ़ के देखो, इब्ने हिशाम को पढ़ो, मक्तल को पढ़ो, मशहद को पढ़ो, पढ़ो अलबनाया वन निहाया पढ़ो, इब्ने कसीर को पढ़ो। जिन जिन लोगों ने मार के करबला पे कलम चलाया है उन सारे इतिहासकारों को पढ़ो, तुम्हें पता चलेगा क्या पावर था हुसैन का। आका हुसैन, अल्लाहु अकबर, मौला हुसैन जब दश्ते करबला की तरफ बढ़े, जब सब कुछ लुट चुका था और नो मोहम्मद भी नहीं, अली अकबर की जवानी भी नहीं थी, हल कासिम बिन हसन का लाशा खून में नहा चुका था, अब्बास के बाजू कट चुके थे, कुछ बचा नहीं था, कहीं हुसैन को लोग कमजोर न समझे, कहीं उसे कमजोर ना तवा न समझे। शहजादे गुलगो कोबा, राकिबे दोशे मुस्तफा, नाइबे मोहम्मद मुस्तफा सल्लम, जनाबे मौला हुसैन ने अपनी बहन जनाब ज़ैनब के हाथों को चूमा और चूम के इशारा किया कि बहन अब इनमें गहने नहीं, जेवर नहीं, कूफियों और शामियों की जंजीरें लगने वाली है। जनाब ज़ैनब ने अपने भैया आका हुसैन की गर्दन को चूमा और कहा, ऐ भैया ये वही वही गर्दन है जिसे नाना जान अलैहि सलाम चूमा करते थे, अब इस पर शिब्र का खंजर चलने वाला। उसके बाद एक तायराना नजर अपने खेमे की तरफ डाली, अपनी बीवियों से कहा, ऐ बीवियों अपना हक मुझे माफ करो, मैं अपना हक तुम्हें माफ करता हूं, मैं तुम कहो तो मैं तुम्हें तलाक दे दूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर मैंने तलाक न दी है तो तुम लोग कभी शादी नहीं करोगी मेरी शहादत के बाद, इसलिए अगर कहो तो मैं तलाक दे दूं ताकि तुम सब अपना अपना घर बसा लो। अरे सैदपुर वाले उन सैयदानियों का जुमला सुनो, मार के करबला का मोर्रिख लिखता है कि शहर बानो हूं या उम्मे लैला उम्मे रुबाब हूं, आगे बढ़ के कहती है आका हुसैन हमें आपसे तलाक नहीं चाहिए, अरे किसी की बीवी बनने से अच्छा आपकी बेवा बन के जीने में। कैसा इशार था, कैसी तड़प थी, कैसी चाहत थी। हुसैन को अब करामत तो दिखाना था, अब तो दिखाना था। शहजादे गुलगो कुबा, राकिबे दोशे मुस्तफा अपने दुलदुल पे बैठते और आगे बढ़ के इब्ने साक की तरफ कहते हैं,
कौन इब्ने साद? हजरते अमर, हजरते साद इब्ने अबी वक्कास का बेटा, साद इब्ने अबी वक्कास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, सहाबी रसूल अशरे मुबशरा, फातह कादिसिया। अरे वो साद इब्ने अबी वक्कास के ग़ज़वे उहद में जब मुसलमान एक लम्हे के लिए पसपा हुए और साद को लगा कि कहीं हुजूर के सीने पे कोई तीर ना आ जाए, जनाबे साद हुजूर के आगे आ गए और तीर चलाने लगे काफिरों पर। पीछे से हुजूर तीर देते जा रहे हैं, साथ चलाते जा रहे हैं। हुजूर ने पूछा, ऐ साद क्या तूने तुझे नहीं मालूम अल्लाह ने मेरे आगे खड़े होने को मना किया है? ला तुकद्दिमू बैन यदिल्लाहि व रसूली, और तू मेरे आगे है तो साद का इश्क भरा जवाब सुनो। अर्ज करते हैं, आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जब मुझे लगता है कि तीर इधर से आएगा तो मैं दाएं हाथ पे चला जाता हूँ, जब लगता है कि बाम हाथ से आएगा तो मैं इधर चला जाता हूँ, जब लगता है पीछे से आएगा तो मैं पीछे चला जाता हूँ, और जब ये ख्याल आता है कि कहीं कोई बदबख्त आपके सीने अलम नशरह को लहू लुहान न कर दे तो मैं हद्दे अदब भूल कर आपके आगे आ जाता हूँ, आप मुझे माफ करें। इतना सुनना था। मुअर्रिख लिखते हैं, हदीस के अल्फाज है बुखारी और मुस्लिम के मुत्तफक अलैह हदीस, जनाब रसूल तीर देते जा रहे हैं और कहते जा रहे हैं, ऐ साद तू मुझे बचाने के लिए आगे आ गया है। सुन, सारी दुनिया अपने माँ बाप मुझ पे कुर्बान करती है, मगर ऐ जमीनों आसमान गवाह हो जाओ, फिदा का भी वो उम्मी या साद, मोहम्मद के माँ बाप तुझ पे कुर्बान। वो सहाबी रसूल अल्लाह अकबर, इतने नेक इंसान का इतना घटिया बेटा। बाप वो था जिसने नबी को बचाने के लिए काफिरों पे पहला तीर मारा था, और बेटा वो जिसने रय की गवर्नरी पाने के लिए नबी जादों पर पहला तीर चलाया था। इमाम हुसैन ने ये वाकया अम्र बिन साद वो उसको याद दिलाया इब्ने साद को, ऐ इब्ने साद याद कर, मैं नबी का नवासा हूं जिस नबी को बचाने के लिए तेरे बाबा अपनी छाती आगे कर देते थे, मैं अभी भी तुझे मोहलत दे रहा हूं। कितने करीम है हुसैन, कितने रहीम है हुसैन, कितने प्यारे हैं हुसैन। इमाम हुसैन कह रहे, ऐ इब्ने साद तू अभी तौबा कर ले, मैं वादा करता हूं अपने नाना जान की बारगाह में मैं तेरी सिफारिश करूंगा। वो न माना, रय की जो रय उस जमाने में रय कहते थे, आज के जमाने में वो तेहरान है जो ईरान का कैपिटल है, वहां का गवर्नर बनने का ख्वाब इब्ने मरजाना ने उसे दिखा दिया था। चुनांचे वो पीछे हटने को तैयार नहीं। इमाम हुसैन आगे बढ़ते और कहते, आ इतिहास मुझे कमजोर न समझे, मैं अली का बेटा हूं, मेरी रगों में फातिमा जहरा का दूध, नबी अली का खून है, मां ने दूध पिलाया है अगर किसी को तो आ एक एक करके आ, दो दो करके आ, तीन तीन करके आ, चार चार करके आ, शेरे खुदा का बेटा तुझे देख करेगा। इब्ने खल्दून ने लिखा है, इब्ने हिशाम वगैरह ने कि आते रहे एक एक दो दो करके, मगर कोई हुसैन की तलवार की ताब ना ला सका। शेरे खुदा के बेटे की तलवार चली, तीन दिन का भूखा हुसैन, तीन दिन का प्यासा हुसैन, इतनी ताकत,
कि तलवार चल रही थी तो ऐसा लग रहा था जैसे आसमान की बिजली, पूरी बिजली इमाम हुसैन की तलवार में समा गई। जब चारों तरफ से एक एक करके इमाम हुसैन मरने लगे तो इब्ने साद ने शोर मचाया, ऐ फौजियों एक एक करके अगर लड़ोगे तो पूरी सेना हुसैन खत्म कर देंगे, चारों तरफ से हमला करो। इतिहासकारों ने लिखा कि फिर हुसैन ने अपने घोड़े की लगाम खींची, आगे बढ़े। मैमना की तरफ हुसैन बढ़े तो मैमना कटने लगा, मैसरा की तरफ बढ़े तो मैसरा कटने लगा। हुसैन की तलवार चल रही थी, गर्दने ऐसा कट रही थी जैसे लगे किसी सब्जी मंडी में गाजर मूली काटी जा रही हो, जैसे लगे किसी कसाई मंडी में जानवरों की गर्दनें मारी जा रही हो। ऐसा तलवार चल रही थी जैसे लगे कि किसी तालाब के सतह आप में कोई लंबी मछली तैर रही हो। तलवार इस तरह से चल रही थी कि पूरा का पूरा लश्करी निजाम दरहम बरहम। कहने वाले ने लिखा कि तन्हा हुसैन गर्दनें काटते जा रहे थे, ऐसा लग रहा था जैसे हुसैन की तलवार में आदम की सफवत, नूह के का शुक्र, इब्राहिम की खुल्लत, इस्माइल का ज़बह व इसार, दाऊद की कुव्वत, मूसा का तकल्लुम, ईसा की रूहानियत बाजुए हुसैन में आ गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे मदीने वाले ने हुसैन के लिए दुआ के लिए हाथ उठा दिया हो। ऐसा लग रहा था जैसे अबू बकर, उमर, उस्मान, हैदर हुसैन के दाएं बाएं आ गए हो और कह रहे हो बेटा हुसैन तू अकेला नहीं है। वो तलवार जिसे तीन दिन की प्यास न रोक सकी चलती रही, वो तलवार जिसे अब्बास के कटे बाजू न रोक सके चलती रही, वो तलवार जिसे कासिम बिन हसन की लुटी हुई जवानी न रोक सकी चलती रही, वो तलवार जिसे तीन दिन की भूख और प्यास न रोक सकी चलती रही, वो तलवार जिसे अहले बैत का लुटा कुंभा ना रोक सका चलती रही, वो तलवार जिसे 22,000 का लश्करे जर्रार ना रोक सका चलती रही, वो तलवार जिसे अहले बैत की बिलकती हुई प्यास ना रोक सकी चलती रही। अचानक वो तलवार रुक गई जब चारों तरफ से तीरों की बरसात हुई, 70 या 72 तीर मौला हुसैन ने अपने सीने पे लिए, सजदे शुक्र में चले गए हुसैन, बदबख्त ने हुसैन के गले को काट दिया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊ। जरा देख कैसे लोग थे, खत लिख के बुलाया था हुसैन को और फिर खौफ और हरास के मारे हुसैन ही के जान के दुश्मन बन गए। नेजे पर हुसैन के सर को बुलंद किया, ये हुसैन की सरबुलंदी का आलम था जिसे हुसैनी लेके आज भी चलता है। जुलूस निकला, मल गया जनाबे सैयदे कायनात की बेटी ज़ैनब, उनका तो सब कुछ लुट चुका था। किस शान की सवारी पे बैठ के आई थी और ऊंट की नंगी पीठ पे जनाबे ज़ैनब को बैठा दिया गया, हजरते आबिदे बीमार को भी उस पे बैठाया गया, कूफा वाले सीना पीट रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, या हुसैना वा हुसैना कर रहे थे। उधर जनाबे ज़ैनब का जलाल अपनी इंतहा पे था, उन्होंने दुआए हलाकत दिया, कूफियों से कहा बदबख्तो ना हंजारो मेरे भाई और बच्चों के कातिलो, अब रोने से क्या मिलेगा, अब सीना पीटने से क्या मिलेगा, जा अली की बेटी ज़ैनब तुझे ये बद्दुआ देती है कि सुबह कयामत तक तुम और तुम्हारी कौम चाहे जहां रहे सीना पीटती रहेगी मगर हुसैन उनको मिलने वाले नहीं। अरे तकबीर, अरे रिसाला,
तकबीर है इमाम हुसैन, हुजूर ताजुल उलमा। आखिरी बात अर्ज करके बात को खत्म करूंगा, क्योंकि माँ बादे करबला बहुत कम बयान हो पाता है। सहरंगेज खिताब किया हजरत ज़ैनब ने, पूरी कूफा की जमीन हिल गई। कूफा से जब काफिला आगे बढ़ा तो एक रास्ते में चर्च आया, एक गिरजा घर आया। उस गिरजा घर का जो पादरी था, पक्का ईसाई था, बाहर निकला, उसकी आंखें अश्कबार थी। उसने कहा, ये क्या है, किसका काफिला और ये सरों पे किनके सर लटके हैं? कहा, ये अली के बेटे मोहम्मद मुस्तफा के नवासे हुसैन का सर है, जिसने बगावत की थी हुकूमत के खिलाफ, हमने सजा के तौर पे उसका सर काट दिया। इतना सुनना था वो पादरी हिल गया, चीखने लगा, कहा, यार तुम लोग तो अजीब कौम हो, पादरी है, क्रिश्चियन है, बट व्हाट ही वाज सेइंग, अजीब कौम, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी की औलाद के साथ ये कर रहे। मुझे देखो, मैं हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम की 70वीं पुश्त हूं। अपने को कहा उसने, 70वीं पुश्त हूं। आज भी यहूदी और ईसाई मेरी इज्जत करते हैं, जबकि मेरे 70 अब्बा के बाद दाऊद अलैहिस्सलाम। आज भी मेरी 10 बोसी कदम बोसी होती है, और तुम इतने बदबख्त, नबी के दिल के चैन, उनके हुसैन को कत्ल करके नोके नेजा पे उनका सर बुलंद कर रहे। का बागी की यही सजा है, हमने बगावत की सजा दी है। वो पादरी, उसने क्योंकि अपनी किताब में तौरात और इंजील में हुजूर की शान पढ़ी थी, और मारके करबला की दास्तान के कुछ इशारे भी उसने पढ़े थे, उसने उन बदबख्तों से कहा कि ठीक है, क्या तुम एक दिन इस सर को हमारे पास रखोगे? मैं तुम सबको खाना खिलाऊंगा, पानी पिलाऊंगा, पूरे एक दिन रखूंगा, बस एक दिन के लिए ये सर हमें दे दो। कैसे नहीं मिलेगा, कुछ पैसे दो तब देंगे। रवायत में, चाहे सुन्नी रवायत पढ़ो चाहे शिया, सब में 500 दीनार लिया, 500 सोने के सिक्के। उस पादरी ने एक ही झटके में सोने के सिक्के दिए और सरे हुसैन को लेके आ गया। साथ में जनाबे ज़ैनब, हजरत आबिद बीमार, सज्जाद, ज़ैनुल आबिदीन और जितने लुटे पिटे लोग थे सबको लेके घर में आया, सबको अलग अलग कमरों में ठहराया। उस पादरी की बीवी जो थी वो भी बड़ी नेक खातून थी, उसने सैयदानियों की बड़ी खिदमत की, नहलाया धुलाया, अच्छे कपड़े पहनाया, उसके बाद सबको नाजो नियाम से रखा। बाद में रात का जब दूसरा पहर शुरू हुआ, जब सब सो गए, सारे शाबी सिपाही, कूफी सिपाही सब सो गए, रात के लगभग 11-12 बजे के आसपास वो पादरी अपने खास हुजरे में गया, जहां उसने सरे हुसैन को रखा था। उसने जब कपड़ा हटाया तो देखा कि पूरा हुसैन का पूरा बाल, वो अंबरी जुल्फे जिन्हें सुंग सुंग के नबी कहते थे कि हाजाने रैहाना है, ये हसन हुसैन की खुशबू नहीं, जन्नत की खुशबू उसमें उलझे हुए हैं, करबला की मिट्टी से लथपथ, यहां से खून बह रहा है, यहां से खून बह रहा, हर तरफ से खून बह रहा है, पूरा चेहरे का जुग्राफिया बदला है। चीख निकल गई उस पादरी की, उसने तो पानी मंगाया साफ सुथरा, उसे अंबर और काफूर उसमें डाला, बेहतरीन खुशबू उसके अंदर डाली, फिर कीमती कपड़ों से पानी को गार गार के रुखे पाके हुसैन को धो रहा। प्यारे हुसैन के सर चेहरे पाक को साफ कर रहा था, साफ कर रहा था, बालों में कंघी कर रहा था।
बाल को चमका रहा था, चेहरे को चमका रहा था। जब सब हो गया तो हुसैन की आंखों में सुरमा भी सुने लगा। फिर हुसैन की पेशानी मुबारक को चूमा और इसी कैफियत में उसे एक लम्हे के लिए नींद आ गई। सोया तो ख्वाब में रसूल दो जहां सरमने कौनो मका जनाते मोहम्मद रसूलुल्लाह को ख्वाब में देख, और देखता क्या है कि वो सर जहां हुसैन का सर रखा वहां से एक नूर निकल रहा है। वो नूर सीधा रुखे पाके मुस्तफा आपकी पेशानी तक जा रहा है नबी की। आका मुस्कुरा के उस पादरी की पीठ थपथपाते हैं और कहते हैं, पादरी तुझसे करोड़ तू तो उन बदबख्त कलमा पढ़ने वालों से कई गुना बेहतर निकला। इन्होंने मेरे हुसैन को 3 दिन प्यासा रखा, इन जालिमों ने मेरे हुसैन को उसके बच्चों को कत्ल कर दिया, मगर तूने मेरे हुसैन की इज्जत की, तूने उसे निखारा है, चेहरे को सवारा, प्यार से देखा। मैं तुझे बशारत देता हूं ऐ पादरी, चेहरे हुसैन के तकद्दस की कसम, जहां मेरे सहाबा होंगे जन्नत में, वहां तू भी मेरे साथ होगा। सुबह उठते ही आँख खुलते ही उसने सरे हुसैन को देखते हुए कहा, अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। नक्शा बदल चुका था, कैफियत चेंज हो चुकी थी, अब वो पादरी पादरी ना रहा, अब तो वो मुसलमान है। हुसैन का को देखने वाला जन्नती है। आका हुसैन आपकी इस्तेकामत को सलाम, गर्दन दे के भी आप इतने शक्तिशाली, इतने महान, इतने ताकतवर कि अगर जख्मी चेहरा कोई गैर मुस्लिम भी प्यार से देख ले तो कौसर और सलसबील का हकदार बन जाता है। जब हुसैन से मोहब्बत करने वाला पादरी ऐसा हो सकता है तो कादरी कैसा हो। जिसने गौसो खाजा की जमीन पर अपने आप को बिल्कुल बेच दिया है वो कैसा होगा। रात काफी हो गई है, गम कहते हैं मेरे दादा अक्सर फरमाया करते थे कि जब गमे हुसैन में कभी भी हुसैनी महफिल में बेसाख्ता जब आंसू छलक जाए तो वही तकरीर रोक दिया करो, ताकि उस गम की लज्जत कुछ देर तक बाकी रहे। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।